कई बार क्या होता है, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मैं एक प्रॉब्लम झेलता हूँ कि मुझे ना ब्रीफकेस के अंदर, अपने बैग के अंदर एक प्रोटीन का डब्बा डालना पड़ता है, 2 किलो का, 2.5 किलो का या 1 किलो का। तो उससे बहुत ज़्यादा मेरा सामान डिस्टर्ब होता है, कभी कभी डब्बा खुल भी जाता है। भाई अब एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, लगेज हमारा हमने डाल दिया उसके अंदर, तो जब वो बेल्ट के ऊपर आ रहा है, कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है डब्बा खुल गया। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे डॉक्टर चॉइस ने निकाला है ट्रैवल पैक हमारे आइसोलेट प्रोटीन का। तो इसके अंदर क्या है, जैसे वही है हमारा जो आइसो प्रो मैं यूज़ करता हूँ, उसी का ये ट्रैवल पैक बना दिया है। सेम वही चीज़ है, 26 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप, एक स्कूप का एक सैशे है, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 3 सैशे। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का कोई बॉक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई स्कूप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सैशे के अंदर आपको एक स्कूप प्रोटीन मिल जाता है, जिसके अंदर मिल जाता है आपको 26 ग्राम प्रोटीन, 0 शुगर और 5.5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामाइन, 12 ग्राम EAA। वही है वे पेप्टाइड इसके अंदर भी डाले हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। पीछे भी आप इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एक सैशे के अंदर 26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब एक सैशे की जो क्वांटिटी है वो 31 ग्राम और उसके अंदर प्रोटीन मिल रहा है आपको 26 ग्राम, मतलब कि 90% के आसपास आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो अब किसी भी तरह की कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आप जा रहे हो तो आपको डब्बे डालने की जरूरत है। अगर आप 4 दिन के लिए जा रहे हो या 6 दिन के लिए जा रहे हो, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, 2 डब्बे ले लो, 300-350 रुपये का है या 400 रुपये का होगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 2 डब्बे डालो अपना, हर दिन एक सैशे डालो, घोल के पी लो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप बाय कर सकते हो विद DC ट्रैवल पैक। गो एनीवेयर, गो स्कूप।